नाउ नेक्स्ट पैलिंड्रोम बच्चों, दिस इज कॉल्ड इवन लेंथ पैलिंड्रोम। इवन लेंथ पैलिंड्रोम क्यों होगी? इससे क्या स्ट्रिंग बनेगी? डब्ल्यू डब्ल्यू आर मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग है आपकी, पहले मान लो ए बी ए है, ठीक है, तो इसका रिवर्स यानी क्या हो जाएगा? ए बी ए। इवन लेंथ मीन्स क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो इवन होगी, लेकिन होगी पैलिंड्रोम यानी सेंटर के बाद रिवर्स होगी। जैसे ए बी ए टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 इवन लेंथ पैलिंड्रोम, और सेंटर के बाद क्या होता है डब्ल्यू ए बी ए यानी स्ट्रिंग आपकी क्या हुई ए डब्ल्यू ए, और फिर वही सेम स्ट्रिंग लेकिन किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। अब प्रीवियस जो आपने पढ़ा था वो था डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, इसका मतलब क्या था, ये भी पैलिंड्रोम थी बच्चों, लेकिन इसमें सेंटर पता था कि इसके बाद स्ट्रिंग रिवर्स होगी, लेकिन इस केस में इवन पैलिंड्रोम में आपको ये नहीं पता होता है स्ट्रिंग कहाँ से रिवर्स सेंटर होगा, कैसे, कोई इसका मैकेनिज्म नहीं होता सेंटर फाइंड आउट करने का, क्लियर है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो होती है बच्चों बेसिकली क्या होती है, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जैसा मैंने कहा था कि सेंटर की पहचान कैसे होती है नॉर्मली अगर मैकेनिज्म नहीं होता है, तो जैसे इनपुट ए है तो जस्ट सेम इनपुट मिल रहा है, यानी कि इनपुट क्या होगा ए और स्टैक के टॉप पर क्या हो ए, तो ये केस बनता है कि ये मे भी हो सकता है सेंटर, मे भी पॉसिबिलिटी होती है, जरूरी नहीं होगा क्योंकि हमें कोई मैकेनिज्म पता नहीं होता। सिमिलरली मान लो इसलिए नहीं पता होगा, मान लो सारी स्ट्रिंग सेम टाइप की है, इवन लेंथ की ये भी है, और इसका सेंटर अगर, जैसे मैंने यहाँ पर एक केस कहा कि मान लो अगर इस टाइप के टॉप पर ए है, इनपुट ए है, जैसे यहाँ सेंटर की बात रीड करेंगे ए, और इस टाइप के टॉप पर क्या मिलेगा ए, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट पहले क्या इंसर्ट हुआ है, तो हमने मान लिया कि चलो पॉप कर देते हैं सेंटर है। लेकिन अगर मान लो स्ट्रिंग सारे इनपुट एक टाइप के होंगे ए, हो सकता है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, हमें कैसे, हम तो इसको भी सेंटर मान सकते हैं, इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये केस बनेगा ए इंसर्ट किया था, अब अगला इनपुट अगर ये रीड करोगे स्टैक के ए पर क्या होगा, टॉप पे ए, तो हम सोचेंगे पॉप कर दो, क्योंकि इनपुट भी और स्टैक भी क्या है, सिमिलर है। बात समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब है एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि जिस स्ट्रिंग में सेंटर ना पता हो तो सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने क्या पॉसिबिलिटी बताई कि अगर इनपुट ए हो और स्टैक के टॉप पर ए हो तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है सेंटर हो, ठीक है। लेकिन ये फेल कहाँ पर हो जाता है कि अगर स्ट्रिंग सेम टाइप की, देखो इवन है कि नहीं लेंथ 4, और जो कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो इस इनपुट को ए को रीड करोगे, ठीक है, तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, उसका प्रीवियस जो इंसर्ट हो चुका होता है वही तो स्टैक के टॉप पर मिलेगा, यानी ए टॉप पर होगा, तो एक केस बनता है कि नहीं कि सेंटर हो सकता है, लेकिन सेंटर तो है नहीं, क्लियर है। सिमिलरली अगर यहाँ पर ए रीड करोगे तो वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बच्चों इसके लिए, इस स्ट्रिंग के लिए कोई भी डिटर्मिनिस्टिक मैकेनिज्म नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक मींस अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब क्या था, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या था कि अगर आपके पास सिंगल इनपुट था तो नेक्स्ट जो मूवमेंट था वो क्या होता, नेक्स्ट स्टेट सिंगल ही होती, मे बी सेम होती, क्लियर है, एक ही मोमेंट होता, सिंगल मूव या सिंगल ट्रांजिशन। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी एनपीडीए से। एनपीडीए मींस नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज सिमिलर लाइक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि सिंगल इनपुट पर एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, एक से ज्यादा मूव हो सकता है। इस क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मीन्स कि सेंटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए एक सिंगल इनपुट पर हमें मल्टीपल ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे, मजबूरी है। तो इस टाइप की स्ट्रिंग के लिए बच्चों हमें किस टाइप का पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना पड़ेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी तक आपने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज द डिफरेंस डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। ये है पहला एग्जाम्पल नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का। क्या है ये? इवन लेंथ की पैलिंड्रोम है। इवन लेंथ की पैलिंड्रोम अभी बता दिया आपको क्या था कि लाइक जैसे ए ए बी, ठीक है, तो बी ए ए, यानी ये सेंटर तो है, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग
एक सेंटर के बाद क्या हो जाती है, रिवर्स, लेकिन सेंटर आइडेंटिफाई करने कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म से, देखो बच्चों, सबसे पहले सेम तरीके से उसी तरीके से होगा जो प्रीवियस थी, डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग आए, स्ट्रिंग में ए और बी, क्योंकि ए बी से बिल्कुल बनी है, तो पुश करो, ए आए तो पुश करो, बी आए तो पुश करो। अब पॉप करने में दिक्कत है क्योंकि सेंटर नहीं है, वो मैकेनिज्म देखो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपका ए आए, ठीक है, फर्स्ट ए आए, तो फर्स्ट ए की पहचान क्या होती है, स्टैक के टॉप पे क्या होता है, जेड नॉट पोसिट। मान लो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है, यानी कि फर्स्ट बी अगर आता है लाइक दिस, स्टैक के टॉप पे क्या दिखेगा, जेड नॉट, इसको भी पुश कर दिया, क्लियर है। फिर आता है बच्चों कि ए अगर इनपुट आपका है बी के बाद, अगर मान लो इनपुट ए आता है स्ट्रिंग में, अगर इनपुट ए आता है, ठीक है, क्योंकि बी के बाद ए, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जब ए देखा था कि सेम इनपुट के बाद, इसको ध्यान में रखो, सेम इनपुट जब रिपीट होता है तो हमारे दिमाग में क्या केस आ जाता है, सेंटर का, अगर सेंटर नहीं पता, इसलिए पहले वो केस देख रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट, यानी बी के बाद अगर ए इनपुट आता है, ए वाला केस, इनपुट आपका क्या है, ए, क्योंकि ये फर्स्ट ए नहीं है, या है क्योंकि बी फर्स्ट हो चुका है, ठीक है, स्टैक के टॉप पर जेड नहीं होगा, क्या होगा, जो पहले इनपुट होता है वो स्टैक में होगा, तो बी स्टैक में होगा, यानी कि हम पुश करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पुश करेंगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस है, इनपुट अगर बी मिलता है इसके बाद, ए के बाद, क्योंकि स्टैक के टॉप पर क्या दिख रहा है, ए, यानी अगर बी इनपुट रीड करते हो और स्टैक के टॉप पर क्या है, ए है, तो भी पुश करना है बच्चों, ठीक है। अब ये सारा केस वही है, ठीक है ना, कि ए के बाद बी मिलता है या बी के बाद ए कहीं पर भी मिलता है, ठीक है, आपको पुश करना है, सेंटर भूल जाओ, यानी डिफरेंट इनपुट, यानी कि स्टैक और इनपुट डिफरेंट है, तो स्टैक का टॉप और इनपुट अगर डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, पुश, और क्या पुश करना है, इनिशियल चाहे बी से हो चाहे ए से हो, दो केस में पुश करना है, ठीक है ना। अब आती है बात इन दोनों की, इन दोनों का मीन्स कि जब इनपुट कंटिन्यूअस रिपीट होता है बच्चों, जैसे ये देखो, या तो आपका बी ए बी, बी ए बी, ये दोनों केस बन सकता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, यानी ए के बाद जस्ट ए आता है, तो ए के बाद इनपुट क्या आता है, ए आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला सेकेंड इनपुट ए रीड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ए कहाँ दिखा रहा है, स्टैक के टॉप पे, ठीक है ना। तो इस केस में दोनों केस हो सकता है बच्चों, हम पुश भी करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है, सेंटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी बता दिया था प्रीवियस में, तो दोनों चीज करेंगे, यही है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि सिंगल इनपुट ए को रीड करने पर हम यहां पर पुश भी कर रहे हैं, और यहां पर देखो ए को रीड करने पर और स्टैक के टॉप पर क्या है, ए है, तो हम पॉप भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इसमें पुश पॉप से मतलब नहीं है कि पुश कर रहे हैं पॉप, दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कि ऑन रीडिंग सिंगल इनपुट ए यू हैव टू ट्रांजिशंस, फर्स्ट इज क्यू जीरो, यानी कि ए को रीड करने पर क्यू जीरो जा रहे हैं, और यहाँ ए को रीड करने पर कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पर जा रहे हैं, और फर्स्ट वाले को पुश कर रहे हैं और दूसरे से क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। चलो अगर ये क्लियर नहीं है, दूसरी बात आता हूं, जैसे यहां पर बच्चों बी को हमने रीड किया, ठीक है, तो स्टैक के टॉप पर क्या था, जो प्रीवियस इनपुट होता है लाइक दिस, बी को रीड किया तो स्टैक के टॉप पर ए है, तो पुश कर दिया, नो डाउट, अगर स्टैक का टॉप और इनपुट डिफरेंट है तो ऑलवेज पुश इट। बट अगर कंटिन्यूअस मीन सेम होता है, स्टैक और इनपुट सेम होता है, लाइक अगर इस बी को अब रीड करोगे, इस बी को रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, बी, तो दोनों ऑपरेशन होगा, पुश और पॉप, क्योंकि आई डोंट नो कि दिस इज सेंटर और नॉट, यानी कि बी को रीड किया और स्टैक के टॉप पे क्या है, बी है, तो पॉप इट एंड चेंज द स्टेट। बट अगर बी और बी रिपीट हो रहे हैं तो इसको पुश भी कर देंगे, क्योंकि हमको नहीं पता, हो सकता है स्टार्टिंग में ही हो, जैसे हमने बोला था ना कि इस केस में लाइक दैट, ठीक है ना, ये है केस कि फर्स्ट ए रीड किया, ठीक है, तो सेकंड ए रीड करते ही तो सेंटर तो नहीं हुआ, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे सेंटर हो जाएगा, इसलिए दोनों चीज कर रहे हैं। अगर सेंटर होगा तो पॉप कर, ऑटोमेटिक पॉप पर चला जाएगा, इसे एनएफए होता है कि जो पॉसिबिलिटी जो सही रूट होगा उसी रूट को फॉलो कर लेंगे, क्लियर है, ओके।
इसलिए बच्चों अगर सेम इनपुट और सेम टॉप ऑफ स्टैक है तो दोनों ऑपरेशन करेंगे पुश और पॉप, क्यों? क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट इज सेंटर और नॉट। फिर आता है बच्चों ये होता है कि ये इनपुट रिपीट भी हो सकता है, अगेन जब पॉप करते हैं ए इनपुट तो मल्टीपल इनपुट हो सकता है, लाइक जैसे मान लो ए ए ए ए ऐसे है मान लो, ठीक है ना, तो ए रीड किया फर्स्ट हो गया स्टैक के टॉप पर, दूसरा ए भी हो सकता है तो भी स्टैक के टॉप पे मिल सकता है, तो उस केस में स्टेट चेंज नहीं करेंगे केवल पॉप करते जाएंगे सेम मिलता जाएगा। जी किस केस में अगर हमने सेंटर माना है तो सिमिलरली बी के केस में भी यही होगा कि अगर मल्टीपल बी मिलते हैं सेंटर के बाद, क्योंकि ये एज्यूम किए हैं सेंटर के बाद मल्टीपल बी मिलता है तो पॉप करते जाएंगे, सिमिलरली अगर सेंटर नहीं है तो मल्टीपल ए आता तो हम उसको पुश करते जाते हैं, दोनों ऑपरेशन। अब एक केस ऐसा आएगा बच्चों इनपुट फिनिश होना ही है, पॉप कर रहे हैं तो ए भी फिनिश हो जाएगा और बी भी, चूंकि दोनों इक्वल हैं नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, चूंकि इवन लेंथ की स्ट्रिंग है भले रिवर्स ऑर्डर में है क्योंकि लास्ट इनपुट रीड करते ही क्या हो जाएगा सब कुछ पॉप हो जाएगा, स्टैक क्या हो जाएगा खाली। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट फिनिश स्टैक आपका फिनिश, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं करते हैं, यू गो टू द फाइनल स्टेट। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना, ये नॉन डिटरमिनिज्म, बाकी आप बहुत सारे इसको देख लेना क्वेश्चंस, खुद प्रैक्टिस करना, कोई डाउट तो पूछना। सपोज करो बच्चों यू हैव गिवन ए इवन लेंथ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग WWR, यानी कि ये हो गया W, ये हो गया WR, इसलिए सेम टाइप लिया है, जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसलिए थोड़ा सा दूर हो। अब इस पर एक नया वर्ड हम और थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, इसमें यूज़ किया जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन में, वो वर्ड है बच्चों ID, दैट इज कॉल्ड ID, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर चूंकि पुश डाउन और ट्यूरिंग मशीन में कोई भी जो वर्किंग होती है, जो फंक्शनिंग होती है, मूव रिलेशन बोलते हैं ऐसे, यानी कि जैसे मान लो स्टेट है हमारी Q0, अगर पूरे कंप्लीट जो इनपुट है जिनको रीड करना होता है, इनिशियल जो DFA बताया था ये पूरा इनपुट है जिसको कि चेक करना एक्सेप्टेड है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ चूंकि स्टैक होता है तो स्टैक का इनिशियल क्या रहता है खाली, ये टॉप ऑफ स्टैक शो करता है, फिर जो ट्रांजिशन होता है बच्चों ऐसे शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मूव रिलेशन, दिस इज कॉल्ड मूव रिलेशन। मूव रिलेशन मतलब कि अब ये है, दिस इज कॉल्ड ID, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। और ID में कैटेगरी होती है इनिशियल ID, नेक्स्ट ID। इनिशियल ID कौन सी होती है, जब हम कंप्लीट इनपुट हमारे पास होता है, इनिशियल स्टेट होती है और स्टैक का इनिशियल टॉप ब्लैंक होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल ID। अब इसको अगर Q0 को A इनपुट रीड करने पर स्टैक के टॉप पर Z0 है तो जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होता है बच्चों, ठीक है ना, वो आगे लिखा जाता है। आगे कैसे लिखा जाएगा, अगर स्टेट चेंज है तो स्टेट, और इनपुट क्या लिखा जाएगा, जिस इनपुट को रीड कर लिए हो उसको छोड़ के रिमेनिंग जो इनपुट बचेंगे उसको, और इसमें जिस स्टैक में आपने पुश किया है पॉप किया है वो लिखते हैं, क्लियर है, तो दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट ID। अगेन ट्रांजिशन होगा इसको मूव रिलेशन से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको डिटेल में पढ़ लेना, ज्यादा कुछ मैंने इसको ID के थ्रू समझाया है, ठीक है ना, फंक्शनिंग जो है ID के थ्रू समझाई जाती है। तो यू हैव गिवन ए स्ट्रिंग AA, दैट इज WWR, हम सबसे पहले क्या लिखे इनिशियल ID, ये क्या है बच्चों इनिशियल ID क्या होगा, इनिशियल स्टेट, और किस स्ट्रिंग को आप वेरीफाई कर रहे हो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, AA कंप्लीट स्ट्रिंग, और स्टैक का टॉप Z0, क्योंकि अभी स्टैक में हमने कुछ भी पुश नहीं किया है, तो पहला ऑटोमेटिक आपको फंक्शनिंग होती है ID की, कि ये हो गया आपका Q0 स्टेट, इसको इनपुट देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है A, और स्टैक का टॉप क्या है आपका Z0, देखो Q0 स्टेट हो गई, A इनपुट हो गया, Z0, ये क्या होता है कि आपको क्या करना है पुश करना है। तो इस केस में क्या करना होगा बच्चों, हमने सीधे पुश कर दिया Q0, क्योंकि इसमें डाउट इसलिए नहीं होता, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी नॉन डिटरमिनिज्म नहीं है, जब स्टैक खाली होता है चाहे ए हो चाहे बी, तो इसमें कोई मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंगल मूवमेंट। इसको आप ऐसे दिखाते हैं या मैंने ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों समझ जाओ वही बहुत है। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, स्टेट कहाँ चेंज हुई, नहीं हुई, Q0 स्टेट रह गई, रिमेनिंग इनपुट आप क्या बचा AAA, ठीक है, और स्टैक में ऑपरेशन क्या हुआ कि ए क्या हो गया पुश हो गया, A Z0।
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आईडी आपकी क्या बची, दिस इज ऑल्सो आईडी, हमेशा आईडी के फॉर्म में ही शो करते हैं फंक्शन. तो ये हो गया आपका क्यू जीरो, रिमेनिंग इनपुट ट्रिपल ए. नाउ स्टेटस ऑफ द स्टैक इज ए जेड नॉट. इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैक के टॉप पर अब क्या है, क्योंकि स्टैक को हम रीड करते हैं लीनियरली लेफ्ट टू राइट, स्टैक के टॉप पर क्या है आपका ए है. तो क्यू जीरो स्टेट है, लुक क्यू जीरो इनपुट ए एंड स्टैक ए दोनों साथ देखते हैं. तो क्यू जीरो ए ए, देखो क्यू जीरो ए ए यहां भी है, क्यू जीरो ए ए, मैंने कहा था ना सेम इनपुट और सेम स्टैक में केस में नॉन डिटर्मिनिज्म होता है. जब नॉन डिटर्मिनिज्म होता है बच्चों, तो हमारे पास क्या केस होता है कि सेंटर है या नहीं ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि सेंटर होता है तो पॉप करते हैं और सेंटर नहीं होता है तो पुश करते हैं. तो इस केस में ये हमारा ये बन गया क्यू जीरो ए ए, ये केस बन गया, यानी इनपुट भी ए और स्टैक के टॉप पर भी ए. तो इस केस में दो ट्रांजिशन होती है, एक ट्रांजिशन होती है कि हम ये मान के चलते हैं सेंटर नहीं है तो पुश कर देते हैं, और एक केस होता है ये मान के चलते हैं सेंटर है तो स्टैक को पॉप कर देते हैं. ये देखो ए ए पॉप, ए ए पुश. तो वही केस लिखा कि सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्या हुआ बच्चों, नो सेंटर है, ये सेंटर हमें लगता है कि सेंटर, सॉरी ये सेंटर है, इधर सेंटर वाला केस है, राइट साइड सेंटर, लेफ्ट साइड नो सेंटर. तो यानी कि अगर सेंटर होगा तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे. तो पॉप के केस में समझिए क्या स्टेटस होगी, ये देखो क्यू जीरो को ए देंगे, पहली बात तो स्टेट चेंज हुई क्यू वन, ठीक है, क्योंकि सेंटर के बाद क्या होता है पॉप. और दूसरा केस क्या होगा, इनपुट रिमेनिंग वही रहेगा, एक रीड कर चुके हो, क्या बचा डबल ए, और ऑपरेशन क्या होगा स्टैक का टॉप एलिमेंट जो आप रीड कर रहे थे आप क्या कर दोगे उसको पॉप, तो क्या हो जाएगा जेड नॉट. क्लियर है, अगर ये मानते हैं कि सेंटर है तो, क्योंकि सेंटर के बाद पॉप होता है, लेकिन अगर ये मानते हैं सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं तो जब तक सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या करते हैं पुश. तो केस बनेगा क्यू नॉट ए रीड किया तो क्या कर देंगे स्टेट आपकी चेंज नहीं है, ए ए क्या कर दिया पुश कर दिया, तो डबल ए पुश कर दिया, ठीक है ना, क्या हो गया जेड नॉट. डबल ए पुश नहीं किया, पुश ए ही किया सिंगल, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टैक था ये पहुंच के क्या हो गया डबल ए हो गया, ठीक है. अब आते हैं पहले राइट साइड को निपटा के चलते हैं सेंटर के, अगर मान लो सेंटर पहुंच गए, यही नॉन डिटर्मिनिज्म है कि सिंगल इनपुट पर आपके पास दो मूवमेंट आ गई या दो आईडी आ गई, यानी सिंगल इनपुट पर अगर मल्टीपल आईडी आती है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, अगर एक इनपुट पर एक ही आईडी आती है दैट इज नेक्स्ट आईडी तो डिटर्मिनिस्टिक. अब इसके आगे अगर आप देखो पहले तो क्यू वन यहां पर हो, इनपुट क्या है आपका ए, क्यू वन पर ए, और स्टैक के टॉप पर क्या है जेड नॉट, कहीं केस नहीं है, क्यू नॉट ए ए है नहीं केस बन रहा है, क्यू वन इनपुट क्या बन रहा है बी, यानी कि कहने का मतलब है यहां नल कि क्यू वन, कहने का मतलब है कि क्यू वन स्टेट पर अगर है और इनपुट आपका ए है और स्टैक के टॉप पर जेड नॉट है तो ऐसा कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड बच्चों डेड कॉन्फिगरेशन, मींस देयर इज नो फर्दर ट्रांजिशन, देयर इज नो फर्दर मूवमेंट. क्लियर है, नो फर्दर आईडी, ये ब्लॉक हो गया डेड कॉन्फिगरेशन. तो वापस आते हैं कि जो पुश कराए थे हो सकता है वही रास्ता सही हो, तो हम कहां थे अब यहां पर क्यू जीरो पर ही थे, इनपुट क्या था हमारा ए था और स्टैक के टॉप पर क्या था ए, तो कॉन्फिगरेशन क्या बना हमारा नेक्स्ट आईडी क्यू जीरो ए ए यहां है क्यू जीरो. तो फिर से जब कहा स्टैक और इनपुट क्या होते हैं सिमिलर होते हैं तो पुश भी करते हैं पॉप करते हैं, पुश इसलिए करते हैं हमें मानते हैं कि आफ्टर सेंटर ऑपरेशन हो रहा है, सॉरी पॉप इसलिए करते हैं, पुश इसलिए करते हैं कि अभी सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं. तो दोनों केस करेंगे, देखो ये मान लेंगे सेंटर है तो पॉप करेंगे, तो उस केस में क्यू जीरो ए ए ए अप्लाई होगा, तो उस स्टेट में स्टेट चेंज हो गई आपकी क्यू वन, और रिमेनिंग इनपुट चूंकि रीड कर लिए तो क्या बचा सिंगल, और स्टैक का टॉप एलिमेंट पॉप कर दिए, यहां चूंकि डबल ए था तो स्टैक का टॉप आप डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा सिंगल ए बचेगा, ठीक है. इसी तरह इधर अगर आप देखेंगे, अगर मानेंगे सेंटर नहीं है तो पुश कराएंगे, क्या पुश कराएंगे क्यू जीरो को, यहां पर देखें क्यू जीरो ए रीड किया, ए रीड किया तो ए को पुश कर दिया, तो ये आपको कितने हो गए ऑलरेडी डबल ए थे, एक और पुश हो गया तो कितने हो गए ट्रिपल ए. तो पहले एक तरफ निपटा क्या है सेंटर वाले की तरफ, तो सेंटर में नाउ नेक्स्ट आईडी क्या है क्यू वन ए ए जेड नॉट. क्लियर है, तो क्या स्टेटस बन रहा है, कौन सी आईडी बन रही है बच्चों, ये ट्रांजिशन क्यू वन ए ए, यानी कि क्यू वन स्टेट पर है
और इनपुट ए रीड कर रहा है स्टैक के टॉप पर ए बन रही पोजिशन, तो क्या करेंगे पॉप स्टैक के टॉप पर क्या कर देंगे पॉप। तो यानी जब पॉप करेंगे बच्चों तो क्या हुआ स्टेट चेंज नहीं हुई क्यू हुआ नहीं है, इसमें सेंटर और नॉन सेंटर की बात नहीं हुआ क्योंकि किसके बाद की बात हो रही है आफ्टर सेंटर, तो आफ्टर सेंटर तब फिनिश होगा इनपुट, कोई सेंटर नहीं मिलेगा। अब इनपुट ए खत्म हो गया तो क्या इनपुट दिखाएगा नल, ठीक है। और चूंकि ए को हमने क्या किया पॉप कर दिया क्योंकि आफ्टर सेंटर ऑपरेशन हो रहा तो स्ट्राइक क्या बचा जेड नॉट, क्लियर है। तो कौन सी कंडीशन हो गई क्यू वन इनपुट नल और स्ट्राइक के टॉप पर क्या है जेड नॉट, तो उस केस में क्या करते हैं कि नो चेंज इन स्ट्राइक, क्लियर है। सीधे कहां पहुंच गए हम फाइनल स्टेट में, इनपुट आपका नल था है क्योंकि आईडी के फॉर्म में इसलिए दिखा रहा है। तो दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक चीज क्लियर हो गया कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल, यस दिस इज एक्सेप्टेबल, क्लियर है। लेकिन अब देखते हैं इधर आके नो सेंटर की तरफ, अगर मानते हैं कि स्ट्रिंग क्या है जो इनपुट रीड कर रहे हैं वो सेंटर में नहीं है बिफोर सेंटर है, तो बिफोर सेंटर में क्या किया था हमने पुश किया था क्यू जीरो ए इसको पुश कर दिया। अब अगर चूंकि सेंटर से पहले है सेंटर पहुंचना है फिर से क्या स्टेटस बना क्यू जीरो ए ए, यानी इनपुट और स्टैक सेम बना बच्चों, तो फिर इसमें दो डिवीजन होगा कि या तो हम सेंटर पहुंच चुके हैं या तो सेंटर पर नहीं पहुंच चुके हैं। जब सेंटर पहुंच गए हैं तो क्या करेंगे पॉप ऑपरेशन यानी क्यू जीरो ए ए, तो जब पॉप करते हैं क्यू जीरो ए ए पर कहां पहुंच गए क्यू वन पे, अब इनपुट हमारे पास फिनिश हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ तीन ए था तो स्टैक का टॉप क्या हुआ पॉप हुआ डबल ए बचा। अगला इसके आगे अगर ऑपरेशन करें तो क्यू वन नल, ये ठीक है क्यू वन नल इनपुट, लेकिन स्टैक के टॉप पर क्या ए, ऐसा कोई यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है डिजाइनिंग में, इसके आगे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज कॉल्ड डेड कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर आते हैं बिफोर सेंटर यानी अभी सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं, क्लियर है ना। तो उस केस में क्या करेंगे ये समझ रहे हो नहीं, सेंटर जो मैं बता रहा हूँ ये है सेंटर, यानी कि यहाँ अभी नहीं पहुंचे हो, इसके पहले अगर है तो पुश करते जाओगे और सेंटर पहुंच चुके हो तो उसके आगे जो भी ऑपरेशन करोगे सब पॉप करोगे, डायग्राम में बना हुआ है। तो अब अगर नो सेंटर है यानी क्यू जीरो यहाँ पर हो ए इनपुट रीड किए और स्टैक के टॉप पर क्या है ए है, तो पुश कर दो यानी इस इनपुट को ही पुश कर दो, थ्री थे तो कितने हो गए फोर, इनपुट आपका फिनिश हो गया क्यू नॉट। तो यानी अब क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है आई डी क्यू जीरो, क्लियर है नल इनपुट, तो क्यू जीरो को कहीं पर भी नल इनपुट नहीं दे रहे हो, तो इसके आगे कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेड स्टेट। लेकिन अगर मानते हैं कि सेंटर है क्योंकि क्यू जीरो ए ए सेंटर है, क्यू जीरो ए ए सेंटर है, क्या करते हैं पॉप यानी स्टैक का टॉप ऑपरेशन, ये क्या हो गया पॉप, यहाँ तीन थे कितने बचे दो, इनपुट आपने रीड कर लिए सारे, क्या बचा नल, और क्यू जीरो से कहाँ पहुंच गए क्यू वन, क्यू वन को नल, क्यू वन को नल और स्टैक के टॉप पर ए, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, क्यू वन को नल पर हमेशा टॉप पर क्या मिल रहा है आपको जेड नॉट, यानी इसके आगे भी डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो मींस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बट दिस इज द पाथ, क्लियर है। कोई सा भी एक पाथ एक्सेप्टेबल, और नॉन डिटर्मिस्टिक की डेफिनेशन यही है कि मल्टीपल आपके ट्रांजिशन होंगे मल्टीपल पाथ बनेंगे, लेकिन किसी एक भी पाथ पर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी तो हम मानेंगे स्ट्रिंग क्या है एक्सेप्टेबल है। दिस इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा।